अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम् श्रेयसाम परिवर्धकम् धर्म संबंधकम् भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् पुण्य प्रकाशकम् पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम्। श्री संयम प्रकाश नाम देयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री ग्रंथर देवा प्रति ग्रंथर देव तेषां वचनानुसार साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम् श्रोता रहे सावधानतया श्रणवंतु सावधानतया श्रण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम। आज हमें चर्चा कुछ अपेक्षित विस्तार से मूल गुणों के ये उदंबर फलों के संदर्भ में करनी है। पांच उदंबर फल ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, चर्चा का विषय भी बना रहता है। ऐसा लगता है क्या होते हैं ये उदंबर फल, कभी समझ में नहीं आते, पकड़ में भी नहीं आते। लेकिन गांवों में रहने वाले लोग, अलग अलग छोटे छोटे से कस्बों में रहने वाले लोग वे बराबर इन सब बातों को पकड़ते होंगे। कम से कम हमारे को पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो जैनी के लिए खाने योग्य है और जैनी के लिए खाने योग्य नहीं है। पांच नाम तो हम सब जानते हैं, बड़, पीपल, उमर, कठुमर और पाकर फल, ये पांच नाम बतलाए हैं। इन्हीं के संदर्भ में आज ये कुछ और बातें कह रहे हैं। पेज नंबर निकालिए 151 नंबर पेज। उदुम्बरादि पांच फलों का त्याग, ये ऊपर से पांचवीं छठी लाइन में ही आपको हेडिंग दिख रहा होगा। पिप्पालोदुम्बर प्लक्षवट फल्गुफलान्यदन हंत्यार्द्राणि त्रसान शुष्कान्यपि स्वमराग योगतः। सागर धर्मामृत द्वितीय अध्याय 13 नंबर का यह श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। और देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, जो पुरुष पीपल, उदंबर,
उदंबर माने गूलर, वट माने बड़, प्लक्ष माने पिलखन और फल्गु माने अंजीर, इन पांच वृक्षों के हरे पके फलों को खाता है, वे तो त्रस जीवों का घात करता है। और जो सूखे फलों को खाता है, वह अवक्ष्य पदार्थ में राग होने के कारण हिंसा द्वारा अपना घात करता है। इसका मतलब ये जो फल हैं, इनके हरे पके फल भी खाने योग्य नहीं हैं और सूख जाने के बाद भी ये फल खाने योग्य नहीं हैं। अब इन फलों का क्या स्वरूप है, क्या है, अब अपने को तो ख्याल में नहीं आता है। मुझे तो वास्तव में जानकारी नहीं है, मैं तो बहुत अननोन अनजान हूँ इन सब बातों के बारे में, क्योंकि कभी काम ही नहीं पड़ता है। लेकिन आप सब लोग निश्चित तौर पर इसमें सम्यक ज्ञानी होंगे, इन सब विषयों में बहुत सारे लोग गांवों में रहते होंगे, जगह जगह वृक्षों की खबर होगी, जानते होंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से फल लगते हैं। हम तो अजान फल जान करके कुछ खाते ही नहीं हैं, हमारे तो लिमिटेड जो फेमस फल हैं बस वही, और उसमें भी लिमिट करके हम खाते हैं, तो इसलिए हम तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ अभी जितनी बातें हम पढ़ेंगे, तो इन सब बातों को पढ़ने से बहुत सारी बातें, सिंगई जी साहब, बहुत सारी बातें आपके ख्याल में आएगी, आप पकड़ पाएंगे। देखिए, इनके जो पिक्चर्स हैं, वो एक बार हमने पहले जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहे थे, तो इनकी फ़ोटोज़ को हमने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला था, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, पिक्चर मिल जाएंगे आपको। और पिक्चर देख करके शक्ल पता लग जाएगी कि भाई ये फल है, तो भाई हमें इस फल को नहीं खाना है। बस देखिए, बहुत सारा प्रकरण दिया है, थोड़ा पढ़ूंगा ज़्यादा, जिससे बस आप लोग समझते जाना क्या क्या बात है। जिनके सबके जाने पहचाने होंगे, उन्हें ये सब बातें समझ में आती रहेंगी। ये कह रहे हैं हरे हों तब तो खाना ही नहीं है, और यदि सूखे हों तो सूखे को भी नहीं खाना है, क्योंकि सूख जाने के बाद क्या होगा, माने सूख जाने के बाद बोले उसमें भी घोर हिंसा का पाप लगेगा। यदि वो फल सूख गया है, तो उसमें भी आखिर त्रस जीव जो मौजूद था वही सूखा है, तो उसमें भी महापाप लगता है। यदि इनमें से किसी के, देखना क्या लिख रहा हूँ, लिख रहे हैं, आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन। यदि, क्योंकि ऊपर पैराग्राफ के अंदर जितने नाम पढ़े हैं ना, पीपल पहला हो गया, पीपल तो पकड़ में आता है, पीपल के अंदर कई तरह के फल होते हैं, बहुत देखे भी होंगे, लगे हुए भी देखे हैं, पीपल का पेड़ भी लगा रहता है, तो वो पीपल है, तो अपन पीपल के फलों को नहीं खाना कभी भी, इतना अपने को पता होना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं उदुम्बर, ये गूलर है, अब ये किस तरह का होता है, पिक्चर देखें तो देख लें अपन, पिक्चर तो मेरे ख्याल में आ रही है आँखों के सामने, तो लेकिन क्या कहूँ, है ना, कि ये चीज़ खाने की नहीं होती है। फिर वट, बड़ का वृक्ष है, वो भी बड़ भी जानते हैं अपन, वट वृक्ष जिसे कहते हैं, बड़ का वृक्ष जिसे कहते हैं, वो भी अपन जानते हैं, उसको भी नहीं खाना। बड़ और पीपल दो तो ख्याल में आते हैं। फिर प्लक्ष माने पिलखन, ये भी नहीं खाना चाहिए, ये पीपल जैसा ही होता है, अभी बतलाएंगे। और फिर एक फल्गु शब्द दिया है, जिसका अर्थ है अंजीर। अंजीर बहुत आजकल आने लग गया है खाने में, अपन लोगों के नहीं, लेकिन मैं जगह जगह जैन समाज के आयोजनों में अंजीर का बहुत प्रयोग होता है। फिग कहते हैं, FIG, फिग, अंगी, अंजीर को, अभी बतलाएंगे आगे। ये मतलब ड्राई फ्रूट्स में भी आता है, इसकी मिठाइयाँ भी बनती है ना। ड्राई फ्रूट्स हो, वो ड्राई फ्रूट्स तो खाने योग्य हैं, लेकिन ये जो फ्रूट हैं, ये ड्राई हो जाने पर खाने योग्य नहीं है, ऐसा कहना है। मैंने जिन पांच फलों के यहाँ नाम बतलाए हैं, इन पांच फलों के सूख जाने पर कोई व्यक्ति कहे कि ये ड्राई फ्रूट हो गए हैं, खा लेते हैं, कि नहीं, यह तब भी खाने योग्य नहीं है। वह अवक्ष्य, ये राग, तीव्र राग है ना, इसलिए सूखे फल को भी नहीं खाना। यदि इनमें से किसी के पक्के फल को तोड़कर ध्यान से देखा जावे, तो सैकड़ों वे हजारों सूक्ष्म त्रस जीव उड़ते हुए दृष्टिगोचर होंगे। ओह, ऐसी हिंसा है इसमें।
त्रस्त जीव के कलेवर की मांस संज्ञा है। त्रस्त जीवों का कलेवर, कलेवर कहते हैं शरीर को, कलेवर माने बॉडी, त्रस्त जीवों की बॉडी शरीर को मांस संज्ञा है। और इन फलों में नियम से त्रस्त जीव रहते हैं, इसलिए आचार्यों ने मांस त्याग के साथ साथ इन पांचों फलों का भी त्याग कराया है। जब मांस त्याग की बात कही है तो साथ साथ में इन पांचों का भी त्याग कराया है। अन्य बहुत से हरे फल पुष्पादि जिनमें त्रस्त जीव न हो, वे साधारण हों तो भी सूख जाने से प्रासुक व भक्ष्य बन जाते हैं। बहुत सारे फल फूल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, उनको खाइए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो साधारण हैं लेकिन वो सूख जाते हैं तो खाने योग्य हो जाते हैं, जैसे हल्दी वगैरह है ना, ये खाने योग्य हो जाती है। परंतु उक्त पांचों फलों को तो सूखे हुए खाने का ही का भी निषेध है, माने ये सूखे हुए हों तो भी खाने का निषेध है। अंजीर आइसक्रीम भी बनती है, बहुत सारी ये जो आज नेचुरल्स वगैरह की आती है ना, आजकल नेचुरल्स का बड़ा क्रेज है बड़े शहरों में, नेचुरल्स की है, नेचुरल्स की है ओरिजिनल, वही टेस्ट जिस टेस्ट की आपको चाहिए, तो उसमें अंजीर वगैरह की भी आती है। सावधानी रखना, अंजीर खाने योग्य नहीं है, फिग खाने योग्य नहीं है, मिठाइयाँ खाने योग्य नहीं है। अंजीर की मिठाइयों के नाम से शादी विवाह के प्रसंगों में भी मैंने देखा है, वो जैन व्यक्ति के खाने योग्य नहीं है, मांस भक्षण के दोष जैसा है। अंजीर की मिठाई क्या ड्राई फ्रूट समझ करके, और मिलता भी अभी बतलाएंगे, और देखिए नीचे पढ़ रहा हूँ मैं, अभी 2-3 पेज यही प्रकरण चलने वाला है, लगभग 2-2.25 पेज तो पढ़ेंगे अपन, और बनेगा तो और पढ़ लेंगे। और भी कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यानि तु पुनर्भवेयुः कालोच्छन्न त्रसानि शुष्काणि भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्। क्या कह रहे हैं? फिग कहते हैं अंजीर को। अब आप फिग डालेंगे इंटरनेट पर, गूगल पर, तो आपके पास में उसकी पिक्चर आ जाएगी, तो आपके पकड़ में आ जाएगा कि ये फिग क्या होता है। जिन उदुम्बरादि पंच फलों में से कभी काल पाकर कुछ त्रस जीव उड़ जावें और वे फल सूख भी जावें तो भी उनके खाने में तीव्र राग के होने से तीव्र हिंसा होती है, ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का कहना है। क्या तो अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि यदि वे सूख भी जावे ना, ये पांच उदम्बर फल, जैसे बड़ का वृक्ष है, वट वृक्ष सूख गया, पीपल का पेड़ है सूख गया, क्या लेकिन तो भी वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो तीव्र राग, उसमें बहुत तीव्र राग भी हिंसा का कारण बनता है। जितना तीव्र राग है उतनी ही हिंसा भी अधिक है। स्थूलाः सूक्ष्मास तथा जीवाः संत्युदंबर मध्यगाः तन्निमित्तं जिनैरुक्तं पंचोदंबर वर्जनम्। पांच उदंबर फलों का, बड़, पीपल, पाकड़, उम्बर माने कठुम्बर, अंजीर और गुलर, ये पांचों ही फल एक समान जाति वाले हैं। ये पांचों ही फल एक के गुरु एक हैं, अर्थात दोष की अपेक्षा समान हैं। इनमें चक्षु से दृष्टिगत होने वाले त्रस जीव रहते हैं। अरे आँखों से दृष्टिगत होने वाले त्रस जीव, क्या बात कर रहे हो? माने जो त्रस जीव होते हैं, ये त्रस जीव भी बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, जो आँखों से नहीं दिखते हैं और आँखों से दिखाई देने वाले। तो ये दिखाई देने वाले तो बहुत बड़े बड़े हो गए, उड़ते हुए दिखते हैं। आप यदि इस तरह के फलों को तोड़ेंगे ना तो उड़ते हुए दिखाई देंगे, चार इंद्री तक जीव हैं इनमें। अतः सबसे प्रथम इनको त्यागना चाहिए, क्योंकि इनके खाने में मांस भक्षण का दोष है और मांस भक्षी जैन नहीं हो सकता। इस कारण जिनेन्द्र देव ने सर्वप्रथम इनका त्याग बताया है। इसका मतलब जब भी कोई व्यक्ति त्याग करता हो तो त्याग करने में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने त्याग किया है उसकी यह वो बनती है जिम्मेदारी, पंडित जी कुछ त्याग करना है हमारे को। कई लोग आते हैं ऐसे, पंडित जी कोई त्याग करा दो,
कोई त्याग करा दो हमारे को, ये कभी कुछ किया हमने, कभी आज तक किसी चीज़ का त्याग नहीं किया, लेकिन 10 लक्षण जी के 10 उपवास किए हमने, आप कुछ त्याग करा दो। हमने चतुर्दशी का उपवास किया है, तेला किया है, ये किया है, तो पंडित जी हम अब ये उसका पारणा कर रहे हैं, अब कुछ त्याग करा दो आप। तो सबसे पहले त्याग कराने योग्य है ये मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फल, इन 8 चीज़ों का सबसे पहले त्याग करना। और इन 8 चीज़ों का सबसे पहले त्याग कर देने पर यह बनता है अष्टमूल गुण। जब इन 8 चीज़ों का त्याग कर दिया तो ये अष्टमूल गुण बन जाता है। सीताफल के लिए भी कुछ लोग लिख रहे हैं, सीताफल बहुबीजा के अंतर्गत आता है। हमने तो कभी बचपन में कभी कुछ खाया होगा कोई 31 साल पहले, उसके बाद से जब से समझ हुई तब से हमने छोड़ दिया, सीताफल नहीं खाते हम, त्याग है। तो अब कुछ बहुत सारे लोग जैन लोग खाते भी हैं, लेकिन यहाँ प्रकरण सीताफल का नहीं है। यहाँ तो जो प्रकरण चल रहा है ये 5 उदंबर फलों का चल रहा है। जैन होने के लिए अष्टमूल गुणों का पालन होना जरूरी है, इसीलिए कल हमने जन्म दिवस के दिन या जिस दिन मंदिर ले गए थे, जिस दिन हमने त्याग किया था, उस दिन को बार बार प्रतिवर्ष स्मरण करने की बात कही थी। आज वापस आपको याद करा दी, तो कल की बात 24 घंटे बाद में दोहरा दी हमने, तो आप उसका पालन करेंगे, है ना, वो पक्की हो जाएगी बात। चलिए, अतः सबसे पहले इनको त्यागना चाहिए, क्योंकि इनके खाने में मांस भक्षण का दोष है और मांस भक्षी जैन नहीं हो सकता। इस कारण जिनेन्द्र देव ने सर्वप्रथम इनका त्याग बताया है ना। और भी देखिए, और भी कहा है, लाठी संहिता में कहते हैं, 78 नंबर का श्लोक है, उदुम्बर फलान्येव नादेयानि दृगात्मभिः नित्यं साधारणान्येव त्रसांगैराश्रितानि च। समस्त संसारी जीवों को उचित है, समस्त संसारी जीवों को उचित है, इसका मतलब जैनों की वपोती नहीं है ये पंचोदंबर फल का त्याग, सारे ही संसारी जीवों को नहीं खाना चाहिए। आपके आसपास में कोई हिंदू वगैरह भी हो ना, हिंदू लोग हों, उनको भी आप कह सकते हैं कि आप उसको नहीं खावें। समस्त संसारी जीवों को उचित है कि ये उदंबर आदि 5 फलों को कदापि भी नहीं खावें, कभी नहीं खावें, क्योंकि ये सदा साधारण और त्रस जीवों से भरे हुए ही रहते हैं, साधारण जीवों से और त्रस जीवों से ये भरे हुए रहते हैं, इसलिए किसी भी मनुष्य मात्र को इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अभी मक्खन वगैरह भी हैं अवनीश भाई, तो इनमें वो भी सब अवक्ष्य हैं, खाने योग्य तो है ही नहीं। अभी 22 अवक्ष्यों के नाम यदि आगे बतलाएंगे तो अपन पढ़ेंगे, पहले बतलाएँ हमने आपको, ओला घोर बरा निशी भोजन बहुबीजा बैंगन संधान बड़ पीपल उमर कठूमर पाकर फलिया होए अजान कंद मूल मिट्टी विष आमिष मध्य माखन अरु मदिरा पान फल अति तुच्छ तुषार चलित रस जिनमत ए 22 बखान हैं, ये 22 अवक्ष्य बखान। तो इस तरह से 22 अवक्ष्य हैं, तो आएगी चर्चा जैसी भी तो फिर और पढ़ेंगे। अभी तो ये मूल गुणों के संदर्भ में थोड़ा विस्तृत प्रकरण है, बहुत दिनों तक चलने वाला है, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं चलाना पड़े, इसलिए हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन वो प्रकरण नहीं चले, क्यों खींचना इस प्रकरण को, फास्ट पढ़ते हैं। देखिए, पंचोदंबरों में भ्रम, अब ये कुछ प्रकरण है जो बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी होगा। पंचोदंबर फलों के अंदर जो भ्रम है उस भ्रम की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं भाषा शास्त्रों में उमर कठूमर बड़ पीपल और पाकर ये 5 नाम दिए हुए हैं, क्या कहीं कहीं ये दिए हुए हैं 5 नाम, परंतु कठूमर शब्द का अर्थ कोई कोई जैनी काट फोड़ कर निकला हुआ फल करते हैं, कोई लोग ऐसा अर्थ करते हैं। कठूमर माने क्या होता है, बोले काट फोड़ करके जो फल निकला हो उसे कठूमर कहते हैं, ऐसा नहीं है, किंतु संस्कृत प्राकृत शास्त्रों में कहीं भी ऐसा कथन नहीं मिला। फलगु का फिग जिसे कहा है, फलगु का अंजीर जिसे कहा है, कठुम्बरी का मंजुल मलयू जगने फला,
इन शब्दों को संस्कृत के कोशों और वैदिक के निघंटुओं में देखा तो ये सब अंजीर के ही नाम मिले। अब ये सब अंजीर के नाम हैं, इसलिए आप इनमें से कोटुम्बरिका यदि जानते हो तो उसे छोड़ दें, मंजुल नाम से कोई व्यक्ति जानते हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है ना हमारा, तो हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कहीं किसी फल को किस नाम से जाना जाता है, किसी फ्रूट को किस नाम से जाना जाता है, कोई लौकी को दूधी कहता है, कोई कुछ कहता है, हैं कोई उसे घिया कहता है, सब अलग अलग नाम है। तो फल एक ही है, उसे अलग अलग चीज़ों नामों से पुकारा जा रहा है। तो कोई उसे मल्यू कहता हो किसी क्षेत्र में तो वो भी अंजीर ही है, कोई जगने फला कहता हो तो वह भी वही है। तो इनको सबको अंजीर के ही नामांतर जानना चाहिए, ये सब नामांतर अंजीर के ही नामांतर मिले हैं। देखिए तोरई को गिलकी कहते हैं, हाँ देखो ये अंजीर के वृक्षों में दूध भी होता है। अब क्या कह रहे हैं, ये अंजीर के जो वृक्ष हैं, अंजीर जो फल कहा है उसके वृक्षों में दूध भी होता है, इसलिए अंजीर को ही उदुम्बर आदि पांच फलों में समझना चाहिए। ये अंजीर, अब अंजीर के बारे में थोड़ा सा बतला रहे हैं, कुछ लोग अंजीर नहीं जानते हो तो देखना समझ में आएगी, नेट पे डालेंगे तो सब बातें मिल ही जाएगी। ये अंजीर हरे तो बाज़ार में बाग के माली बेचा करते हैं, माने माली लोग लेकर के आते हैं और बाज़ार में ला करके सब्जी मंडी में अंजीर बेचते हैं, हरे अंजीर मिलते हैं सब्जी मंडी में जाके देखेंगे तो। और पंसारियों के यहाँ जो पसारी लोग हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेवे वगैरह ये सब चीज़ें जो रखते हैं, उनके यहाँ मेवा की चीज़ों में रस्सी में पोए हुए माला की तरह रहते हैं अंजीर, माँ अवक्ष हैं, ड्राई फ्रूट की तरह माला में पोए हुए भी रहते हैं अंजीर, आपको देखने को मिल जाएगा। हकीम व वैद्य पौष्टिक के लिए माने ताकत के लिए तथा जुलाब माने दस्तावर की दवाइयों में इनको देते हैं। हकीम हो, वैद्य हो, किसी के दस्त लग गए हो तो ऐसे व्यक्तियों को ये अंजीर देते हैं, दवाइयों में मिला करके भी देते हैं अंजीर, तो अंजीर का प्रयोग होता है ऐसा। मामा इनका प्रयोग सोचा जा सकता है, कम कराया जा सकता है, अपने औषधालय में रोका जा सकता है कि हमारे यहाँ औषधालय में जो दिगंबर जैन औषधालय है वहाँ अंजीर का प्रयोग नहीं हो, कितना भी लाभकारी हो लेकिन जैनी के योग्य नहीं हैं। तो दिगंबर जैन औषधालय जहाँ जहाँ चलते हैं, जैन औषधालय जहाँ जहाँ चलते हैं, वहाँ हम वैद्य लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई साहब ये अपने लिए योग्य नहीं है, शहद नहीं मिलना चाहिए हमारे जैन औषधालयों में, शहद का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शहद नहीं हो, अंजीर नहीं हो, ये बड़ पीपल उमर कठूमर पाकर ये जो पांच फल हैं इनका प्रयोग हमारे जैन औषधालय जहाँ जहाँ बहुत जगह चलते हैं, क्या दिगंबर जैन औषधालय में नहीं होता हमारे यहाँ जयपुर में, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी और जगह बहुत जगह चलते हैं मेरे जानकारी में है, जैसे कोटा में चलता है और अपने इधर ग्वालियर में भी चलता है, अमायन वगैरह में भी चलता होगा, बहुत जगह पर जहाँ जहाँ जैन औषधालय चलते हैं जैन समाज के द्वारा, तो अपन लोगों को कहना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि अनजाने में ही अपन जैन लोगों को अजैन बना रहे हैं इस तरह की वस्तुएं दे करके, और पता नहीं होता है, एक्चुअल में मालूम नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जब पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, इसलिए बता देवे। चाशनी से ली जा सकती है शहद के स्थान पर, चाशनी बहुत बेटर उसका ऑप्शन है।